आज का ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आने वाला नाश्ता है और बहुत जोरों की भूख लगती है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना। तो आप ये नाश्ता सुबह भी बना सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि भूख लग रही है फटाफट बनाना है, तो ये आप नाश्ता जरूर ट्राई कीजिए घर में। ये बहुत टेस्टी नाश्ता है फ्रेंड्स, चटपटा नाश्ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसके लिए 3-4 बॉईल आलू लिए हैं, पहले से मैंने बॉईल करके रखे थे, और इनको मैं हाथ से अच्छे से मसल दूंगी। एकदम बारीक करना है, आप चाहे तो इसको मेशर से भी आप मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही इनको मसल लिया है मैंने। ये देखिए एकदम बारीक कर लिया है आटे जैसा। अभी मैंने पोहे जो धो के गला के रखे थे, धोए थे पहले इनको, और अच्छे से गल जाए ये, ऐसे मैंने 2 आधा 1 घंटा इनको गलाए थे, वो गला के मैंने रखे थे। ये पोहे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो और ये बाइंडिंग के लिए मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा डाला है, आप चाहे तो यहाँ पे मैदा भी डाल सकते हैं। तो मैंने गेहूं का आटा डाला है इसमें, और ये आधी काली मिर्ची का पाउडर है, आधी चम्मच, ज़्यादा नहीं डाला है मैंने इसमें। और ये हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक डाला है। अभी इसका हम एक डो बना लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए, क्योंकि इसमें हमको पानी की ज़रूरत नहीं है, आलू से ही इसका। एक तो हमने पोहे भी गीले करके मैंने वो करके रखे थे, वो डाले हैं, और आटा तो 1 चम्मच के लगभग ही डाला है, तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गीला है या टाइट है, तो आप पानी यूज़ करें, या गीला है तो आटा यूज़ कर सकते हैं इसमें। और भी ये देखिए, अभी इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम आगे का जो मसाला बनाना है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रखी, उसमें 1 चम्मच, छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है, मैं तेल ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें। अभी ये चटपटा बनाना है, तो मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, बारीक किया हुआ लहसुन, और बारीक ही की हुई मैं प्याज इसमें डालूंगी बड़े साइज़ की, थोड़ा सा लहसुन, और इसको हरी मिर्च को थोड़ा हमको सेक लेना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक। अभी ये मैंने इसमें प्याज डाल दी है, बहुत बारीक किया है इनको, हर एक जो भी सब्जी में डाल रही हूँ उनको एकदम ही बारीक करना है। ये शिमला मिर्च है, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, शिमला मिर्च को भी। और ये गाजर है जो मैंने ग्रेट करके रखी थी, वो थोड़ी ही डाली है, और ये मटर है, मटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, ग्रीन मटर है, तो ये भी इसमें डाल दिया है। अभी मैं नमक डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। और ये गरम मसाला है, किचन किंग गरम मसाला, आधी चम्मच डाला है मैंने इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च डाली है तीखे के लिए, और ये गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें, तो ये मैंने आधा चम्मच डाला है। और ये डाला है मैंने चाट मसाला, वो भी आधे चम्मच के लगभग ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अभी इनको अच्छे से सिक जाने देना है, क्योंकि ग्रीन वटाने हैं तो वो थोड़े टाइम लेंगे, बाकी शिमला मिर्च प्याज और गाजर तो जल्दी से पक जाती है। और अभी मैंने ये सोयाबीन की वड़ी है ना, इसको मिक्सर में मैंने पीस लिया था, अच्छे से धो के गला के उसको मैंने पीसा है। ये देखिए थोड़े गर्म पानी में मैंने इनको तब तक धोया जब तक इनका झाग नहीं खत्म हो जाता निकलना, और मैंने इनको मिक्सर में डाल के पीस लिया है। ये देखिए, तो ये मैंने सोयाबीन वड़ी इसमें डाल दिया है। अभी इसको मिक्स करेंगे हम, अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये सोयाबीन वड़ी इसमें मिक्स नहीं हो जाए मसाले में, हमारे वेजिटेबल्स में, तब तक इसको मिक्स करना है। अभी ये डाला है तो इसमें सूखा मसाला भी डालना है, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच मैंने, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें, और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका। अभी मैंने ये हरा धनिया बारीक करके रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए, ये सोयाबीन वड़ी है, तो मैंने इसको पीसा था तो थोड़ा सूखा सूखा लगा मेरे को मसाला, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है।
अभी इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए प्रेस कर करके मैं इसको कुक कर रही हूँ। ये हो चुका है, अभी हमको इसको एक प्लेट में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। तो मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ एक, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए ये हो चुका है, ये हमारा स्टफिंग बन के रेडी रेडी हो चुका है। अभी मैंने दो पापड़ सेक लिए थे, लिज्जत पापड़ लिए उड़द के, तो ये मैं इनको बारीक कर रही हूँ। हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना ऐसा, इसका भी मैं इसको बारीक करके कर लूँगी, क्योंकि इसका मेरे को कोटिंग करना है जो मैं बना रही हूँ ना, तो इसमें मेरे को कोटिंग करना है। मैंने आटे की ही स्लरी बना के रखी है, गेहूं के आटे की, मैंने मैदा यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं जो हमने डो बना के रखा था ना आलू का, वो उसकी छोटी छोटी लोई लेंगे और इसको बीच में ऐसा करके हम जैसे कचौरी वगैरह भरते हैं ना मसाला, वैसा हम इसमें ये मसाला भरेंगे जो हमने मसाला बना के रखा था हमारा स्टफिंग। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको प्रेस करेंगे उंगली से। और एक मैंने छोटी चीज़ क्यूब ली है, वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। अभी हम इसको बंद कर देंगे, इसका मुंह देखिए मैं जैसे इसमें कर रही हूँ वीडियो में, और हाथ से ही इसको रोल करेंगे। ये मिक्स अच्छे से गोल हो जाती है। आप चाहे तो इनको कचौरी शेप, सर्कल शेप दे सकते हैं, मैं इनको स्क्वायर शेप दे रही हूँ, तो ये दिखने में थोड़े अलग लगेंगे। ये देखिए ऐसे हाथ से ही इजीली हो जाते हैं ये। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मसाला कुछ ज़्यादा है या आलू का ये डो ज़्यादा है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो उसको। तो ये देखिए ऐसे मैंने स्क्वायर शेप में बनाए हैं सब, और ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था फ्रेंड्स। आपको याद दिला दूँ, अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी मैं एक एक ये पीस उठाऊंगी, और ये जो आटे की स्लरी बना के रखी थी ना मैंने, इसमें मैं इसको डीप करूंगी। ये देखिए अच्छे से उसके ऊपर हमको आटे के ये स्लरी का कोटिंग कर लेना है। अभी मैं जो पापड़ मैंने ये करके रखा था ना बारीक करके रखा था, उसका मैं ब्रेड क्रम्स के जैसे इसके ऊपर लगा दूंगी मैं। और तेल गरम हो चुका है, तो उसमें मैं ये एक एक डाल दूंगी अच्छे से। स्लो आंच पे इनको सेकना है हमको, और तुरंत का तुरंत नहीं पलटना है। ये देखिए मैंने 1-2 मिनट बाद इनको मैंने इनका साइड चेंज किया है। ये देखिए और अच्छे ब्राउन हो चुके हैं ये। अभी एक एक पीस मैं इसमें निकाल लूँगी प्लेट में। चार मैंने ऐसे ये पापड़ के क्रम्स में लगा के बनाए, और चार मैंने ऐसे सादे ही जो स्लरी में डुबो के और फिर बनाए हैं। ये देखिए तो ये वड़े जैसे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स ये। अगर कुछ फटाफट बनाने को मन करे, कुछ चटपटा बनाने को, तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए घर में। ये देखिए दिखने में इतने टेस्टी हैं, तो खाने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, और सबका मनपसंद नाश्ता बनेगा ये। तो आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करिए। ये देखिए मैंने तोड़ के भी बताया है।